समझे? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई मुझसे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे इस इलाके में आने की? देखिए मैं गलती से यहाँ पर आ गया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी वजह से मेरा निशाना चूक गया, ये किसी भी कीमत पर सहा नहीं जाएगा, इसको इसकी सजा मिलेगी। जी मालिक। ये गलत है, एक राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम किस बात से इतना दुखी हो? मैं टीवी पर पुराने जमाने में हुई एक घटना देख रहा था। राजा जंगल में शिकार पर गया था और वहाँ से एक आदमी चलकर जा रहा था और वो आदमी गलती से राजा के रास्ते में आ गया और राजा को गुस्साया। वो राजा बिल्कुल जियान की तरह लग रहा था ना डोरेमोन? मैं जाकर उसे बचाऊंगा। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं नहीं चाहता कि राजा उसे कोई सजा दे दे। ऐसा है क्या? समझ गया, राजा का मूड खराब होगा इसलिए वो उस इंसान को लेकर जा रहा था। अच्छे इंसान लोगों को बांधकर काल कोठरी में नहीं रखते। तुमने बिल्कुल सही कहा। हा? क्या कहा? अगर उसे कुछ हो जाए तो? अब तुम्हें समझ में आया? वो चाहे राजा हो पर फिर भी उसे कोई हक नहीं है कि वो किसी के साथ ऐसा करे। सही कहा। चलो चलो उसे बचाने। चलो उसे काल कोठरी से बाहर निकालते हैं। बहुत बड़े होते हैं ना। वहाँ पर काल कोठरी कहाँ पर होगी? चलो अलग अलग होकर ढूंढते हैं, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। ठीक है। मुझे डर है कि मैं कहीं खो ना जाऊँ, यहाँ सब कुछ कितना अजीब है। अरे हाँ, ये तो राजकुमारियाँ हैं। हेलो, कैसी हैं आप सब? क्या मैं आपसे रास्ता पूछ सकता हूँ? बोलिए। अरे मैं तो रास्ता पूछ रहा था, घबराइए मत। अरे मैं सैनिकों से रास्ता पूछ लेता हूँ, ये सही रहेगा। जरा सुनिए कि आपको महल का रास्ता पता है? बताओ कौन हो तुम? तुम्हारा शुक्रिया। बहुत डर गया था नोबिता। आखिर वो आदमी गया कहाँ? मैंने उसे उड़ते हुए देखा था। लगता है वो एक निंजा है। मैं ऐसा बेस्वाद खाना कैसे खा सकता हूँ? जाओ कुछ और खाने को लेकर आओ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलो रहने दो, मैं अब बाहर सैर पर जा रहा हूँ, इसकी सजा मिलेगी। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सब काम चोर हैं यहाँ पर, इन सबको क्या लगता है मैं कौन हूँ? मेरे राज्य में इस तरह का बर्ताव नहीं सहा जाएगा। ये अजीब सा क्या है यहाँ पे? ये गड्ढा किसने बनाया? ये क्या हरकत है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? कितना मुश्किल था। तुम बहुत लापरवाह हो। ये रहो, इस तरह। बच्चे यहाँ से कहाँ गायब हो गए? लगता है वो कोई निंजा था। कहाँ गए? वो देखो, सुनो, हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं, चलो हमारे साथ चलो। मैं ये नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप आ गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब सारी मुश्किलें खत्म हो गई। ठीक है चलो घर चलते हैं। चले चले। समझ में नहीं आता ये कौन सी जगह है। अरे ये सब क्या है? क्या कोई है? क्या कोई है यहाँ इस जगह पर?
सुनो तुम, कौन सी जगह आई है? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, अगर खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं बनाया तो तुम्हें कोठरी में डाल दूंगा, समझ गई? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुस आने की, बोलो? क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने राजा से इस तरह बात करने की? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये क्या हो रहा है? ये मुझ पर जादू मत करो इस तरह से, तुम्हें सजा मिलेगी। पता नहीं कौन था वो। इससे हम डोरेमी को 22वीं सदी में फोन कर सकते हैं नोबिता। हेलो डोरेमी, डोरेमोन बोल रहा हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता तुम दोनों ऐसी मुसीबत में फंस कैसे जाते हो। पर मैं सोचता हूँ आखिर वो जा कहाँ सकती है। मुझे यकीन है कोई पुरानी सदी वाला उस पर बैठ गया होगा। लेकिन वो इंसान आखिर गया कहाँ होगा? जिस सदी से हम आए हैं डोरेमी, देखो उसके पैरों के निशान। अच्छा सब सुनो, अभी अभी यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा आदमी आया था जो मुझ पर हुक्म चला रहा था। इस बात में कोई शक नहीं, वो राजा ही था। हमें उन्हें जल्दी से ढूंढकर उनकी सदी में वापस भेजना होगा। अरे जरा मेरी बात सुनो। क्या कहा आपने? क्या यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है? अरे देर मत करो, मेरे पास आओ। हाँ? मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ जल्दी से। क्या कहा? अगर आपको पानी चाहिए तो वहाँ से खुद ले लीजिए। अरे पानी तो खत्म हो गया। क्या कहा? ये बच्चे राजा की इज्जत भी नहीं करते। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये शरारत किसकी है? सामने आओ मेरे। अरे इनको क्या हो गया? ये अंकल कितने अजीब हैं, है ना? चलो चलते हैं। चलो रुको जरा, मुझे मेरे महल तक लेकर जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? सच कहता हूँ ये बच्चे भी ना किसी राजा की इज्जत भी नहीं करते। अरे मेरा महल कहाँ चला गया? ये क्या हो रहा है? लगता है कोई खुफिया दरवाजा है ये। अरे वाह, देखने में अच्छा लग रहा है। अब वक्त आ गया है हमारे हर घंटे की देर का। पता नहीं मैं ऊपर क्यों नहीं पहुंच पा रहा। शाम हो गई, पता नहीं वो कहाँ है। अंधेरा हो जाने के बाद तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वो पक्का किसी मुसीबत में होंगे। बहुत भूख लगी है मुझे, अब क्या करूं मैं? अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जरा सुनिए, क्या ये स्वादिष्ट दिखने वाला खाना आप मुझे दे सकती हैं? खूब इनाम मिलेगा। आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसने की? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तमीज से बोलो। तो मैं एक राजा हूँ, एक बहुत ही खास इंसान, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, निकलो यहाँ से। क्या कर रही हो? चलो मुझे। पता नहीं मैं कहाँ आ गया, मुझे महल की याद आ रही है, पता नहीं मैं दुनिया के किस कोने में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई का घोड़ा था, पता नहीं कैसी अजीब जगह है ये। लो बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँगा? सुनो क्या वो दिखे? नहीं मुझे नहीं दिखे। अब हम क्या करेंगे, उन्हें ढूंढना तो मुश्किल हो रहा है। बारिश भी शुरू हो गई है और खाने का टाइम भी हो गया है, अगर घर जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचे तो मॉम डांटेंगी। चलो अब हम कुछ नहीं कर सकते, चलो घर चलते हैं। ठीक है। ये अच्छा किला लग रहा है, मैं इसे अपना महल बनाऊंगा और तुम सब मेरे लिए काम करोगे, समझ गए तुम? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? Thank you.
पता नहीं ये क्या हो रहा है, मेरा महल भी गायब हो गया। अब तो मेरे पास घर भी नहीं है। आपको क्या हुआ, बहुत परेशान दिख रहे हैं। वो दरअसल मेरे पास घर नहीं है अपना, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्या कहा, घर नहीं है? तो फिर आप मेरे घर क्यों नहीं चलते? बारिश तो बंद ही नहीं हो रही। पता नहीं वो किस हाल में होंगे नोबिता। आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, अगर आप चाहें तो यहाँ रात गुजार सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बताइए, क्या आप कोई राजा हैं? हाँ हाँ, तुम ठीक समझे, मैं एक राजा हूँ। ये राजा क्या होता है? तुम्हें राजा नहीं पता, राजा देश का एक खास आदमी होता है। आप में ऐसी क्या खास बात है? वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ही समझदार हैं, ताकतवर हैं और सारे काम आसानी से कर लेते हैं। राजा बहुत खास होते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं। तो राजा बनने के लिए आप में क्या खास बात है, बोलिए ना। ये लो कुछ खा लो। हमारी सेहत अच्छी हो। क्या खाने में बस इतना ही बना है? बिल्कुल सही कहा। आप नहीं खाएंगे क्या? मैं जरूर खाऊंगा। क्या हुआ आपको? ये बहुत ही स्वादिष्ट है, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। सच में बहुत बेहतरीन है ये तो, बहुत मजेदार है। अरे वाह, नोबिता वो राजा जैसे दिखते हैं, वो मुझे मिल गए। क्या कहा? लग रहे हैं ना राजा जैसे? बिल्कुल नोबिता, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सुनो, काम कैसे चल रहा है, ज्यादा थकान तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, बहुत मजा आ रहा है। करते रहो, तुम कर सकते हो। अरे वाह, अब तो मैं भी काम कर रहा हूँ। चैन की नींद सो रहे हैं, आज इन्होंने इतनी मेहनत जो की है। अगर हम इन्हें इनकी दुनिया में वापस भेजेंगे तो ये राजा जी उठ जाइए। मैं कहाँ पर हूँ? हमने आपको बहुत जगह ढूंढा। हमें खुशी है आप वापस आ गए। तुम सब लोग मिलकर बहुत मेहनत करना। इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है राजा जी। हाँ, बहुत ही अच्छी हुई है। वाह, फिर तो मैं भी मेहनत करूंगा तुम्हारी। करते रहो, तुम कर सकते हो। हम सब मिलकर करेंगे। हम लोग जरूर करेंगे। चलो मेहनत करें, हम सब करेंगे। करते रहो।